देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको गुरुकुल के बारे में पता है, तो बहुत कुछ उसमें नया नहीं है, बट मेरा धर्म है कि आप आए हैं तो मैं संक्षेप में उसके बारे में बता दूं। संक्षेप में अगर मैं बोलूं तो जो अपना ये बीम है, ये बीम गाइस आप सबको पता है बीम बहुत तेजी से बूम कर रहा है। आज भी आप लोगों ने ओपनिंग्स देखा होगा, रेगुलर बेसिस पर ओपनिंग्स निकल रही हैं। इसके बूम करने का एक विशेष रीजन ये है कि हमारा वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है ना, देश एक लिमिट हो सकता है बट वर्ल्ड बहुत बड़ा है। और हमारा अभी इंडिया का मैक्सिमम क्या हो रहा है कि हम सब बाहर के प्रोजेक्ट्स करने लगे हैं। हम लोग क्या करने लगे हैं गाइस, बाहर के प्रोजेक्ट्स करने लगे हैं। और जब बाहर के प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका एक एडवांटेज होता है कि हमारे यहाँ के लोगों को खूब ढेर सारा रोजगार मिलता है। जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग अभी यूएस के प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडिया में बैठ के, कोई बेल्जियम में कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग का एक बेनिफिट क्या हो रहा है गाइस, बेनिफिट ये हो रहा है कि हम यहाँ पर बैठ के बहुत जगहों तक पहुंच रहे हैं। और इसके वजह से बीम का जो क्या बोलते हैं ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है और धीरे धीरे और बढ़ेगा, ठीक है। बीम कुछ ऐसे ही है जैसे हम लोग फैशन इंडस्ट्री, ठीक है, अभी फैशन इंडस्ट्री देख रहे हो कितना तेज बूम कर रहा है, ठीक है। और उसी तरीके से बीम भी अपना धीरे 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 इंक्रीजिंग ऑर्डर और बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग गुरुकुल में क्या करते हैं, फिर मैं जानता हूँ आप लोग सोच रहे होंगे सर मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो, बस 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो बीम का जो अपने गुरुकुल का गाइस स्पेशली अगर जो फोकस है, वो फोकस ये है कि अगर आपको कोई बताने वाला होता है कि आगे कहाँ जाना और किस तरफ से जाना है, ठीक है, जस्ट लाइक अ गूगल मैप, ठीक है। अगर आप सर्च करते हो, जैसे मैं से पुणे में हूँ तो पुणे से दिल्ली तक का जो रास्ता है, अगर मैं गूगल मैप ऑन कर लूँ तो बड़ा आसान होगा मेरे लिए पहुंचना। और अगर मैं गूगल मैप ना ऑन करूं तो क्या होगा, कोई बोलेगा इधर वाली गली से निकल जाओ, कोई बोलेगा उधर वाले हाईवे से निकल जाओ, इधर उधर। अगर मैं पुणे से दिल्ली का रास्ता 24 घंटा है, अगर मैं बिना गूगल मैप के जाऊं, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि 8 दिन 10 दिन लग सकता है। और यही हमारे कैरियर के साथ हो जाता है। क्या कैरियर के साथ समस्या होती है गाइस, जब कैरियर को शुरू करते हैं तो हमारे पास कोई गूगल मैप नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता कैसे अप्लाई करना है, किस इंडस्ट्री में जाना है। और इस बिना गूगल मैप के सबसे बड़ी समस्या यही हो जाती है, कभी इधर कभी उधर। जो ऋतिक रोशन का शायद गाना है क्या, इधर चला मैं उधर चला मैं, तो कंफ्यूज रहते हैं हम सब लोग, कभी क्वालिटी में चले गए, कभी साइट में चले गए, कभी स्ट्रक्चर में, कभी एस्टिमेशन में। ये हम सब के साथ होता है, कोई नई बात नहीं है। और इसका मेन रीजन क्या है, हमारे पास गूगल मैप यानी एक सही रास्ता ना होना। गुरुकुल इज जस्ट लाइक अ गूगल मैप। मैं कुछ नहीं करता हूँ गुरुकुल में, सिर्फ और सिर्फ आपको मेंटरशिप करता हूँ कि भैया इधर से चलो, इस समय पर आपको ये पढ़ना चाहिए और ये पढ़ने से आपका ये फायदा होगा। और हर हफ्ते मैं चेक करता रहता हूँ कि आप पहुंचे वहां कि नहीं, कैसे, मॉक इंटरव्यू के थ्रू। मॉक इंटरव्यू रहता है, उस मॉक इंटरव्यू में मैं जस्ट पूछता हूँ आपसे कि आपने एक हफ्ते में क्या किया, इन ऐसे नहीं पूछता, जस्ट इंटरव्यू में क्या पूछते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करता हूँ। फिर मुझे जब लगता है कि आप इस हफ्ते में रास्ते में चाय की टपरी पर रुक गए थे, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ और भी चीजों में रुक गए थे, तो मैं आपको बोलता हूँ भैया ये गलत है, अगर इस तरीके से चले तो जो मैं 24 घंटे आपको दिखा रहा हूँ ये बढ़ के हो सकता है 48 घंटे चला जाए, तो फिर आप प्रॉपर पॉइंट पर आ जाते हो, फिर स्पीड आपकी लग जाती है। तो कुल मिला के मैं जस्ट एक गूगल मैप की तरह काम करता हूँ आपके साथ, जिस गूगल मैप पे मैं कोशिश करता हूँ कि हर हफ्ते आपके साथ मैं मॉक इंटरव्यू अटेंड करूँ, जिस मॉक इंटरव्यू में आपसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उनके आंसर करते हो। उसके साथ हर 15 दिन पर 20 दिन पर हम लोग कैट टेस्ट करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू कैसे होता है, कोई भी कंपनी का इंटरव्यू मेनली 4 राउंड में होता है गाइस। कौन कौन से 4 राउंड होते हैं, एक राउंड तो फिक्स है कि HR राउंड होगा, ठीक है, जो कि हमारे मॉक इंटरव्यू में कवर हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि देखो पढ़ने को सिविल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा है बट इंटरव्यू का फिक्स पॉइंट है। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा गाइस, टेक्निकल इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप कोर कितना जानते हो। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है कैट टेस्ट, ये ड्राइंग है कितने मिनट में बन जाएगा, जिसको बोलते हैं कैट टेस्ट, स्पीड टेस्ट, टूल टेस्ट, नाम एक ही है, काम एक ही है, सॉरी नाम अलग अलग है, काम एक ही है। और लास्ट राउंड जो होता है वो होता है डायरेक्टर राउंड, कि आप किसी डायरेक्टर से थ्रो मिल रहे हैं या फिर कोई सीनियर एचआर, उस तरीके से डायरेक्टर की तरफ बोल सकते हो, जस्ट एक कंफर्मेशन होता है कि आप एक राइट कैंडिडेट हो कि नहीं उस कंपनी के लिए, जो जिस टीम में आप जाने वाले हो उस टीम का जो हेड है वो एक रिजल्ट देता है और उसके बेस पर डायरेक्टर आपसे पूछता है आप सही कैंडिडेट लगते हो तो इंटर कर जाते हो। यही 4 मेन राउंड है। अब बोलोगे सर मेरे मैं एक इंटरव्यू दिया था उसमें 6 राउंड था, बिल्कुल हो सकता है बट मेनली यही 4 राउंड होते हैं। 6 राउंड में क्या हो सकता है,
एक राउंड में हो सकता है कि उनसे सिर्फ और सिर्फ पूछा गया हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कुछ एप्टीट्यूड, कुछ ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन ब्रेन को समझने के लिए उनके, ठीक है। एक राउंड में हो सकता है, स्ट्रक्चर के इंटरव्यू में होता है, बीआई में तो नहीं होता है, रिटन टेस्ट होता है, बीआई में रिटन टेस्ट नहीं होता है। तो ये जो चार पांच चीजें हैं गाइस, ये हम लोग क्या करते हैं गुरुकुल में 4 महीने में खूब पढ़ते हैं, ठीक है। और इसको पढ़ने का तरीका क्या रखते हैं, तरीका रखते हैं 1.5 घंटे हम लाइव के थ्रू करते हैं, 1.5 घंटे इसको रिकॉर्डिंग करते हैं, और 2 घंटे हम लोग इसको करते हैं प्रैक्टिस के रूप में। क्योंकि मेरा मानना है कि लाइव रिकॉर्डिंग कुछ काम नहीं करेगा जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। गाइज आज के टाइम में यूट्यूब पर ऐसा कोई चीज नहीं है जो ना हो। अभी मैं ऐसे यूट्यूब पे भी बैठा हुआ था तो रितेश अग्रवाल जी को सुन रहा था पॉडकास्ट ग्रुप में, सब कुछ है। बस ये ऐसे ही है जैसे आप रास्ते में निकलते हो तो बताने वाले बहुत हैं कि इधर से निकल जाओ, इधर से निकल जाओ, इधर से निकल जाओ, बट सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता कि एग्जैक्ट ऐसे जाना है। तो गुरुकुल इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन। अगर आपको चाहिए डायरेक्शन, मेरे मेंटरशिप में आप सीखना चाहते हो, ये मेरी गारंटी है। वहां जो पूछा जाएगा, मतलब डेस्टिनेशन जहां मैं दिल्ली पहुंचा रहा हूँ ना आपको, तो दिल्ली में जो पूछा जाएगा वो हम जो आपको बता देंगे, जो सिखा देंगे, उसके अंदर से ही पूछा जाएगा, कुछ भी बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ी कमिटमेंट है बट मैं दे रहा हूँ आपको। दूसरी चीज, कई लोग सोचेंगे सर वो क्या बोलते हैं 100% प्लेसमेंट होगा क्या, नहीं होगा। इन जुमलों में फंसोगे तो, आजकल जुमले वाले कैसे होते हैं आपको पता है, तो इन जुमलों में फंसोगे तो आप फंस जाओगे, कोई मार्केटिंग वाला आपका फायदा उठा लेगा। कैसे फायदा उठाएगा, वो आपको बर्बली बोल देगा कि हाँ हम आपको 10 लाख का पैकेज दिलाएंगे, बट ऐसा कोई सत्य नहीं होता। बी में पैकेज बेशक बहुत अच्छे होते हैं, बट वो जो दिलाने वाला है वो नहीं दिलाएगा। कौन दिलाएगा, आप खुद दिलाओगे, कैसे, सीख के, ठीक है। यही एक राइट वे होता है। ज्यादातर बच्चे जैसे मुझसे कोई कॉल पे बात करता है, अभी तो मैं बहुत कम करता हूँ बट कोई करता है तो बस यही क्वेश्चन पूछेगा, सर 100% प्लेसमेंट होगा क्या। तो मैं समझ सकता हूँ, जाता हूँ ये उस दरिया में जाने वाला है जिस दरिया में इसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस चीज को दिमाग से हटा दीजिए। क्यों, क्योंकि अगर सीखे नहीं है तो कोई क्या ही कर लेगा आपको, ठीक है। तो वो तो एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है जो मार्केटिंग वाले यूज करते हैं। मैं एकदम शुद्ध क्वालिटी का टीचर हूँ, मेरा काम है आपको शुद्ध तरीके से पूरी ऑनेस्टी के साथ पढ़ाना, और मैं पढ़ाता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट चरण पे, इसके बाद हम आपके क्वेश्चंस लेंगे बेशक, ठीक है। नेक्स्ट चरण गाइस क्या है, नेक्स्ट चरण ये है कि अभी हम लोग और क्या करते हैं गुरुकुल के अंदर, तो और हम लोग इसके अंदर पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे, हम लोग गुरुकुल के अंदर सीखेंगे रिज्यूम कैसे बनाना है, हम लोग सीखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, हम लोग सीखेंगे कि अच्छा लोगों से कैसे कनेक्शन बना के कम्युनिकेट करना है, लिंक्डइन की प्रोफाइल को कैसे ठीक करना है, बी मॉड्यूलर की प्रोफाइल में क्या क्या पूछते हैं, बी स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर की प्रोफाइल में क्या क्या पूछते हैं, ठीक है। इस तरीके के जितने भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं आने वाले अपकमिंग इंटरव्यू में, वो सब हम लोग यहाँ सीखते हैं। कई लोग के दिमाग में चलता रहता है कि सर सॉफ्टवेयर कौन कौन से सीखेंगे, तो मैं बता दूं सॉफ्टवेयर मायने नहीं रखता, ठीक है। क्योंकि क्या बोलते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं, कभी हम लोग ऑटोकैड सीखते हैं, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमवीपी सीखते हैं, नेविस वर्टेक्स सीखते हैं, टेक्ला, 3ds मैक्स, स्केचअप, और उसके साथ बीम के सारे कॉन्सेप्ट्स। सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट से ज्यादा, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कंपनी क्या पूछ रही है। अगर आप ये नहीं सीख रहे हो कि कंपनी क्या पूछ रही है, आपके सिविल इंजीनियरिंग में कितना सब्जेक्ट था सबको याद है, बहुत ढेर सारा सब्जेक्ट था, कितना यूज में आ रहा है, ठीक है। तो मेन हमें क्या सीखना चाहिए, अगर आप गुरुकुल में सीख रहे हो तो वेल एंड गुड, मैं तो सिखाता ही हूँ, बट आप खुद से भी सीख रहे हो तो देखो कि कंपनियों के डिस्क्रिप्शन में, जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, वहां पर क्या लिखा हुआ है, वो क्या पूछ रहे हैं। बस अगर उनकी तैयारी हम अगर रेगुलर बेसिस पर अच्छे से कर लें सही कंटेंट के साथ, तो दैट इज 100% सफिशियंट कि आप बी में करियर बना सकते हो। ये बी में छोड़ दो, जीवन के किसी भी जॉब को अगर आप सीखना चाहते हो, जस्ट ये देख लो उनकी जरूरत क्या है, ठीक है। अगर आपकी जरूरत, आपके घर में कुक की जरूरत है और मुझे वो जॉब चाहिए, तो सिंपल मुझे क्या करना चाहिए, सब्जी रोटी दाल चावल बनाना सीख लेना चाहिए, और सीख के मुझे जाना चाहिए कि देखिए भाई आदिल आपके यहाँ क्या बोलते हैं कुक की जरूरत थी, मैं रेडी हूँ, आपको क्या आता है दाल चावल सब्जी रोटी खाना मुझे बनाना आता है, अब मुझे नूर के यहाँ जाना है और नूर को पसंद है बिरयानी, मुझे आता सब कुछ है, सब्जी रोटी दाल चावल पनीर जो भी चीजें, मैं वेजिटेरियन हूँ तो ज्यादातर वही मुझे पता है, तो मुझे तो ये सब पता है, बट अब नूर मुझे नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि
मैं कुक अपने आप को इसलिए बनाया, किसी और को बना देता उसको बुरा लग जाता, ठीक है। क्योंकि नूर को आवश्यकता है किस चीज की थी, नूर को आवश्यकता है वो इंसान जो बिरयानी अच्छा बनाए, ठीक है। मैं गया किसके पास, अली के पास। अली का एक बहुत अच्छा सा ढाबा है, ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं, एक स्नैक्स शॉप है जिसमें ये समोसा चाय ये सब बेचते हैं, और बिलीव करिए मुझे बहुत अच्छी बिरयानी बनानी आती है, बट ये मुझे नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए एक अच्छा समोसा बनाने वाला, चाय बनाने वाला, तो मुझे क्यों रखेंगे। मतलब इस पूरे कंटेंट का बस इतना सा कहना है गाइस, कंपनी को क्या चाहिए वो समझो और उसके लिए रेडी हो जाओ। ये मत सोचो कि क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खाना बनाने के लिए आप सोचो कि आप कोई लोग सोचते हैं ना कि मैं सब में परफेक्ट हो जाऊंगा, नहीं हो सकते हो। इतने खाना बनाने के डिश हैं, इतने सिविल इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर हैं, नहीं हो सकते हो, लिख के ले लो, मैं भी नहीं हूं, ठीक है। फिर ये कि जो कंपनी की जरूरत है मैंने उसको सीखा है, आप भी कंपनी की जरूरत को सीखिए। तो इस तरीके से अगर सीखते हैं तो डेफिनेटली आपका ग्रोथ होना फिक्स है। चलिए, आप अब आपका मुझे पता है अटेंशन स्पैन ब्रेक हो चुका होता है, ठीक है। आज मैंने सीखा अटेंशन स्पैन के बारे में। सर ये कौन सी ये कार में कौन है? अच्छा, कार में कोई है, ठीक है, कार में कोई होगा यार, मतलब अच्छी बात है, हम तो बोलेंगे लैम्बोर्गिनी में हो। चलो आप लोग, अभी मेरा हो गया, अब आपको जो जो पूछना है, ठीक है, मुझे जो बताना था मैं बता दिया। आप लोग सभी लोग हैंड रेज कर लीजिएगा प्लीज, यहाँ पर हैंड रेज करने का ऑप्शन है, कर लीजिए एक एक करके। क्या बोलते हैं, हैंड रेज करके अपने सब प्रश्न का उत्तर पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए, कुछ लोग को थोड़ा सा असुविधा हो रहा है वीडियो में, तो अगर किसी का वीडियो ऑन है तो अगर ऑफ कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए अनुज अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पहले अनुज से स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग भी हैंड रेज कर लो, जितने क्वेश्चन पूछना हो सब पूछो। हाँ जी गुड अनुज इवनिंग बोलो। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर। मैं अपना बीटेक 2022 में कंप्लीट किया हूँ। हाँ उससे पहले मैं सर डिप्लोमा किया हूँ सिविल में। हाँ सर उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, करेक्ट, पर सर मैं मतलब क्लियर नहीं कर पाया। तो सर अब मैं प्राइवेट सेक्टर में मूव करने की सोच रहा हूँ। करेक्ट। तो सर वैसे में सर मेरे को मतलब थोड़ा स्ट्रक्चर में भी इंटरेस्ट है, बट सर मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था मतलब ज्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी किसमें होगी यार, मतलब कैरियर वाइज ग्रोथ, मतलब अगर मैं स्ट्रक्चर में जाऊं या फिर बीआईएम इंडस्ट्री में जाऊं। देखो, अगर ग्रोथ की बात करोगे करंट मार्केट में, तो करंट मार्केट वैसे तो हमारी बीम की स्ट्रक्चर की बैच चल रही है 5 मार्च से, ठीक है। बट अगर करंट मार्केट की तुम बात करोगे, जैसे तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, बीआईएम इसमें बहुत ज्यादा पीक पर है, ठीक है। बीआईएम में जॉब ज्यादा है, बीआईएम में प्रैक्टिस लगती है ज्यादा, ठीक है। स्ट्रक्चर में सीखना ज्यादा पड़ता है, बीआईएम में प्रैक्टिस ज्यादा लगती है। अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पैकेज चाहिए ज्यादा, तो मैं सजेशन दूंगा पहले आप बीम करिए। मैं ये नहीं बोलूँ कि स्ट्रक्चर मत सीखिए, पहले आप बीम करिए। बीम में एक अच्छी जॉब लग जाएगी 9 to 6 की, मंडे टू फ्राइडे की, ये फिक्स है, ठीक है। इसके बाद आप जो समय बचता है उस समय में स्ट्रक्चर सीखिए, और फ्यूचर में प्रयास करिए कि दोनों के आप बैलेंस रहें, दोनों के मिक्सअप रहें आप, ठीक है। ये मेरा तो सजेशन सर ये पॉसिबल है कि मतलब बीएम करने के बाद मैं मतलब स्ट्रक्चर लाइन में फिर खुद है। हंड्रेड को परसेंट मतलब 100% स्ट्रक्चर के पास कौन सी ड्राइंग आती है बताएं? पहले किसी भी ड्राइंग की प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग के बाद फिर उस ड्राइंग का नेक्स्ट वर्जन आता है कि उसका मॉडलिंग किया जाता है, जो आप लोग बीम के अंदर करते हो, ठीक है। तीसरा काम क्या होता है? एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। तो वही तो आप करने जा रहे हो ना, तो आप तो उसी सीढ़ी पर हो ना, जी ठीक है। सर, जैसे मैं अगर 2 या 3 ईयर्स सर मतलब जैसे बीएम में एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर मैं स्ट्रक्चर में जाऊँ, तो ऐसा तो नहीं होगा ना सर, मैं एज अ फ्रेशर मतलब मेरे को फिर वो। तुम्हारा नॉलेज डिसाइड करेगा कि तुम फ्रेशर हो। देखो कैसे होता है, एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज नहीं होती है। एक 10 साल का एक्सपीरियंस, एक 2 साल का एक्सपीरियंस कभी कभी बराबर लगने लगते हैं, अगर उसने मेहनत बहुत अच्छा किया है, ठीक है। अगर तुम स्ट्रक्चर्स में, तुम्हें कुछ नहीं आता, स्ट्रक्चर में तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा नहीं है, तो बेशक तुम फ्रेशर ही कंसिडर किए जाओगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे पास स्ट्रक्चर का एकदम सॉलिड नॉलेज है, तुमने कई बिल्डिंग्स की एनालिसिस कर रखी है, ऑलरेडी हम लोग गुरुकुल में 50 प्रोजेक्ट देते हैं, आप करिए प्रोजेक्ट्स को, इस लेवल का कॉन्फिडेंस लाइए कि आप बोलिए सर दे दीजिए हमको। अगर मैं किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास जाऊं, मैं उसको बोल दूं कि मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो क्या करेगा? क्वेश्चन पूछेगा, पूछ लो, वो कॉन्फिडेंस रखते हैं, पूछो जहां से पूछना हो। तो यहां से क्या हो गया, गिन लिया उसने कि हाँ भाई होगा इनको, थैंक यू राइट सर, है। थैंक यू सो मच, ओके जी, थैंक यू। चलो मिस्टर करण, करण जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, सभी लोग हैंड रेज कर लीजिए जिसको जिसको भी क्वेश्चन पूछना है। करण, अच्छा शायद अभी करण कंफर्टेबल नहीं है, तो मंजुला अपना क्वेश्चन पूछना चाह रही है, यस पूछ लीजिए मंजुला। सर
हाँ जी नो वन थिंग, इज इट बीइंग यूज्ड यूजफुल फॉर हाईवे स्ट्रक्चर? ओके नो इफ यू आर लुकिंग फॉर द हाईवे स्ट्रक्चर्स डेफिनेटली इन हाईवे वी आर यूजिंग राइट नाउ बीम आल्सो बट इन आवर कोर्स दैट इज स्पेशली फॉर द बिल्डिंग्स नाउ ठीक है तो इफ यू लुकिंग फॉर द हाईवे इज नॉट गुड फॉर सॉरी आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड. आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इफ यू लुकिंग फॉर द हाईवे इंडस्ट्रीज तो यस राइट तो वी आर जस्ट डीलिंग विद राइट नाउ इन अ बिल्डिंग ओनली तो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन नेक्स्ट 4 मंथ्स दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू बिल्डिंग ओनली तो इट्स नॉट यूजफुल टू मी टू दैट एंड सर हाई सर इफ यू आर नॉट गिविंग सर हाईवे स्ट्रक्चर नो ओनली बिल्डिंग कमिंग सो 4 months और यू जस्ट अनदर फोर टॉकिंग मंथ्स अबाउट आल्सो जस्ट जस्ट अ मिनट यू आर टॉकिंग अबाउट हाईवे और हाई राइज हाईवे हाईवे हाँ यस नो वी आर नॉट इन टू हाईवे वी आर जस्ट ओनली इन बिल्डिंग कंप्लीट कंप्लीटली और सर 4 months ओनली. 4 मंथ्स ओनली After 4 months, you are giving training for highways also, highway नो structures also? नो नो ओनली बिल्डिंग No, नो only buildings. यस Revit is used for या नो नो रेविट यू कैन यूज फॉर द only हाईवे buildings ऑल्सो बट वी आर डीलिंग विद ओनली बिल्डिंग्स only. Is there not have any possibility for that? नो वी आर ओनली हैंडल द इंडस्ट्रीज इन विच वी हैव एक्सपीरियंस तो आई हैव टोटली एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग्स राइट नाउ वी आर डीलिंग विद ए बिल्डिंग ओनली वी आर टेकिंग द प्रोजेक्ट्स लाइव प्रोजेक्ट्स फॉर द बिल्डिंग ओनली सो वी टीच ओनली बिल्डिंग्स ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करण ओके जी करण करण कुछ पूछना चाह रहे हैं हेलो यस हाय सर हेलो हाँ मैं 2017 में कंप्लीट किया है सिविल इंजीनियरिंग करेक्ट अभी मैं 3 साल से स्टेट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ सिविल में अच्छा मुझे वो यही पूछना है कि सिविल में बिल्डिंग लाइंस में मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है करेक्ट तो फिर मैं बीम क्या ज्वाइन कर सकता हूँ करना चाहते हो इस इंडस्ट्री में जॉब? जॉब तो मुझे करनी है क्योंकि नहीं जॉब वाटर तो सप्लाई ऑलरेडी कर रहे हो. डिपार्टमेंट हाँ करेक्ट हाँ बिल्कुल हाँ और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में मैं कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहा हूँ करेक्ट. इसलिए तो देखो चेंज तो करना और ही है. उस हाँ और इसमें वाटर सप्लाई में कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे देखो ग्रोथ हर इंडस्ट्री में होता है बट कुछ इंडस्ट्री में थोड़ी ज़्यादा थोड़ी कुछ इंडस्ट्री में थोड़ा कम. फिर अगर रही बात बिल्डिंग की तो बेशक आप बिल्डिंग में बना सकते हो. बीआईएम में के सबसे बड़ा बेनिफिट है क्योंकि जब मैं नेक्स्ट तुमको जब 6 मंथ के इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देता हूँ उसके साथ एक पोर्टफोलियो आप बहुत स्ट्रांग सा बनाते हो जो पोर्टफोलियो सबका मुंह बंद कर देता है. ठीक है क्योंकि आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो कोई कैसे बोल सकता है कि यार आपको आता नहीं है. और पोर्टफोलियो आपका अच्छा नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता है ना. तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली हम लोग पूरा फोकस करते हैं कि पोर्टफोलियो आपका इतना स्ट्रांग हो किसी के सामने रखें तो उसको लगना चाहिए कि इस इंसान के पास अच्छा एक्सपीरियंस है. ठीक है और उस एक्सपीरियंस के बेस पर बेशक ये मैं अगर कहूँ कि नहीं नहीं आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी तो झूठ होगा. ठीक है आपको कठिनाई होगी बट लग जाएगा ये भी फिक्स. ठीक है ओके जब ओके किसी थैंक का यू थैंक बजट यू कम रहता है जब किसी से क्योंकि सैलरी कम देना रहता है तो देखता है कि पहले हम एक अच्छा एम्प्लॉय हायर करें बाद में हम रूल्स को देखेंगे. और आप एक बार जब 6 महीने काम कर लेते हो किसी इंडस्ट्री में फिर तो आप बादशाह हो उस इंडस्ट्री के. ठीक है ओके और एक क्वेश्चन है बोलो. ये 15 फेब से बेंच का टाइमिंग कौन सा होगा 8:30 से 10 हम टाइमिंग बहुत अच्छा रखते हैं. उसका मेन रीजन यही रहता है कि आप में से मैक्सिमम लोग जो हमारे पास होते हैं जॉब में होते हैं तो सब आ जाएं इसलिए ऐसा टाइम रखते ओके 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 हैं. ओके जी चलो नेक्स्ट ओके क्वेश्चन. ओके ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं शिक्षा सिसोदिया आप पूछना चाह रही हैं? यस सर. यस बोलिए सर मेरे को ये पूछना है. मैं एक्चुअली अभी जॉब करती हूँ भोपाल में, मतलब स्ट्रक्चर डिजाइन करेक्ट में. ओके
ओके okay, और मैं स्टैड पे वर्क करती हूँ, ग्रेट मतलब ऑटोकैड डिजाइनिंग और आरसीसी बिल्डिंग डिजाइन्स करती हूँ। बट मुझे अब ऐसा लगा, जैसा अभी आपने कहा कि कंपनी को क्या नीड है, मैंने पुणे में ट्राई किया, सब जगह ई टैब्स है, टैकला स्ट्रक्चर, तो मैं बीआईएम में भी इसलिए नहीं जाना चाहती बिकॉज मैंने अपने 3 साल तो अभी इसमें इन्वेस्ट कर दिए, तो मैं स्ट्रक्चर में जाना चाहती हूँ, मतलब ई टैब सीखना चाहती हूँ बिकॉज मैंने बहुत कंपनियों में ट्राई कर लिया, ई टैब इज मस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आपको एमपी से आउट जाना है तो उसी के लिए मैं पूछना चाहती थी कोई। अभी तो मैंने आपके चैनल पे देखा था ऑफलाइन क्लासेस हैं उसकी, बट मैं ऑफलाइन ले लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि ऑफलाइन ही मेरे अवेलेबल होगी, मेरे लिए सही रहेगा ऑफलाइन जॉब नहीं, के साथ। रिकॉर्डिंग बोलो, रिकॉर्डिंग हाँ बोलते हैं वही, उसको। बस उसके मतलब मुझे ये चाहती हूँ डाउट सेशंस वगैरह रहेंगे और उसका सर्टिफिकेट्स बताता हूँ वगैरह। देखो, ठीक है, और यही क्वेश्चन है या फिर कुछ और है? हाँ वैसे पहली बात तो ये जान लो कि तुम स्ट्रक्चर्स में अगर हो तो बेशक तुम खुद को कोई भी नहीं रोक सकता, तुम बीआईएम में भी अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। पहली चीज तो ये, क्यों? क्योंकि बीआईएम को जो, देखो भोपाल में तुम हो तो मुझे तुमने बता दिया, तो मैं समझ गया तुम्हारी सैलरी का रेंज क्या है, ठीक है। ये क्योंकि हमें पता है, हम भी छोटे शहर से हैं, ठीक है, हम इलाहाबाद से, हमें पता है कि क्या रेंज होता है। तो अब तुम अगर यहाँ पर आते हो तो बीम के अंदर फ्रेशर्स की सैलरी 30,000 35,000 है, जो कि भोपाल, इलाहाबाद, लखनऊ जैसे शहरों में एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस की होती है, राइट? ठीक है, तो पहली बात तो ये, तो तुम फ्री रहो कि मैं, मुझे बीम में अगर करना तो चाहती हूँ बट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, बिल्कुल कर सकती हो। दूसरी बात, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं सर, मैं बहुत पैशनेट हूँ बीम को लेकर, सॉरी स्ट्रक्चर्स को लेके, बेशक मैं मना भी नहीं करूंगा, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर संभव है तो आप अपना समय निकाल के, क्या बोलते हैं, आपके स्ट्रक्चर्स की बैच चलने वाली है 5th ऑफ मार्च से, ठीक है, तो अगर संभव है तो उसमें करिए। क्योंकि रिकॉर्डिंग से बेसिकली होता क्या है, देखो तो रिकॉर्डिंग में तुमको ये, तुमने एक लेक्चर ले लिया, बहुत लोग लिए हुए हैं मुझे भी पता है, ठीक है, लेकिन लेने के बाद जैसे आप 10 मिनट वॉच करते हो, तब तक में एक नोटिफिकेशन आ जाता है अच्छा वाला, ठीक है, वो नोटिफिकेशन हमको वहां लेके चला जाता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है, ठीक है, इसको कोई डिनाई करे तो अलग बात है। तो फिर हम क्या हो जाते हैं, हमारे पास कोई पीयर प्रेशर तो है नहीं, पीयर प्रेशर यानी मैंने तो ये बोला नहीं कल मुझे प्रोजेक्ट चाहिए सबमिट करने के लिए, तो फिर आपके पास जब ब्रेन नहीं रखी, मैं देखो कैसे होता है, अभी मेरे पास ना इस समय लगभग 250-300 किताबें हैं, ठीक है, मेरे पूरे रूम में लगभग 300-400 किताबें होंगी, बट मैंने सारी नहीं पढ़ी, अगर इनका एग्जाम होता तो मैं सारी पढ़ता, राइट? तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब आप किसी मेंटर के थ्रू पढ़ोगे, यानी जैसे कि मैं गुरुकुल में क्या करता हूँ, मैं आपको डेली प्रोजेक्ट दूंगा और डेली आपके प्रोजेक्ट को चेक करूंगा, तो या तो शिक्षा क्या करेंगे, आप या तो क्लास छोड़ के चले जाएंगे, पहला कंडीशन ये होता है। दूसरा कंडीशन होता है कि आप मेहनत करने लगेंगे, क्योंकि क्योंकि तीसरा कंडीशन मैं होने नहीं दूंगा, आप क्लास में आ रहे हो मैं बना के छोड़ूंगा, ठीक है। तो इसमें आपके लिए प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आप इसमें करेंगे तो आपके पास एक प्रेशर रहेगा, और प्रेशर में अच्छे से इंसान काम करता है। मैं भी एग्जाम के टाइम में बहुत पढ़ लेता हूँ, बिना एग्जाम को कुछ नहीं पढ़ता हूँ, तो इसलिए ई मैं टाइप ऐसा। की रहेगी ना क्लास नहीं, हम लोग इसलिए। जो सिखाते हैं, हम लोग, क्योंकि कैसे होता है, हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे तुम लोग, जो तुम देखते हो, ईटैब्स की बात करूं या फिर रेबिट की बात करूं, लोगों को क्या लगता है कि इसे लोग क्या बोलते हैं ना, सर सॉफ्टवेयर आप कौन कौन सा सिखाएंगे, तो मुझे बताना पड़ता है जल्दी जल्दी कि रेबिट सीख लो, उसके बाद इनेविसर सीख लो, टेक्ला सीख लो, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट? लेकिन जब जॉब को चेक करने जाते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन चेक करने जाते हैं, तो वहां समझ आता है यार ये क्या लिखा है, जीए ड्रॉइंग, ये तो हमारे हमको पता ही नहीं, हम तो टेक्ला पे फोकस किए हुए हैं, ये तो क्या लिखा हुआ, असेंबली ड्राइंग, ये सॉफ्ट ड्राइंग क्या होती है, अच्छा इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि आपको डिटेलिंग आनी चाहिए, IS 13920 क्या होता है, मतलब ये टर्म्स तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो मेरा मानना है ये सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखने से नहीं होता, अगर आपको सॉफ्टवेयर सीखना है तो फिर हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि अभी बिलीव करो, शायद मेरे से बेहतर यूट्यूब पे ईटैब्स के लेक्चर होंगे, ठीक है, ये सच है, ठीक है। YouTube पे नहीं होंगे तो किसी और प्लेटफॉर्म पे होंगे, मैं नहीं डिनाई करूंगा कि नहीं, मैं ही बेस्ट हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई बेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो देखो, अगर वो लेक्चर हमें देखना है तो हम ईटैब्स वहां से सीख सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग सीखनी है कि ईटैब्स को अप्लाई कैसे करना है प्रोजेक्ट में, मेरे से अच्छा यूट्यूब पे नहीं है, ये भी क्लियर है। तो हमें अप्लाई करना सीखना पड़ेगा, हमें रेबिट रेबिट सीखना, कितने ढेर सारे रेबिट के चैनल्स हैं, स्पेशली ऑटोडेस्क खुद ही बताता है रेबिट के बारे में, बट रेबिट का एप्लीकेशन अपने प्रोजेक्ट्स पे कैसे अप्लाई करना है फोर्सफुली, वो सीखने की जरूरत है हमें, ठीक है। तो हम लोग हाँ सर, उसी, जैसे
जैसे मैंने अभी एक इंटरव्यू दिया था उसमें बोला आपको कोड का नॉलेज, आप जैसे आपने कहा ना सही कहा, इंजीनियरिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी एक जगह स्टील का दिया तो उन्होंने बोला आप अगर मैं स्टील की ओनली ड्राफ्टिंग करती तो उन्होंने डिजाइनिंग पूछा, आप अगर वेल्ड करवा रही कितनी कैपेसिटी के लिए होता है, ये चीज मुझे बाद में पता चली, ओ ऐसा भी होता है, मतलब इंजीनियरिंग ही सीखना है इसलिए मैंने आपका। तो हम लोग गुरुकुल में जो करते हैं स्ट्रक्चर की अगर बात हाँ करें, तुम पूछ ली तो बता दे रहे हैं, बाकी इसका भी एक हाँ वेबिनार होगा, उसमें हम लोग ऑटोकैड से स्टार्ट ओके करते हैं, फिर स्टैट प्रो, जो सॉफ्टवेयर की अगर बात करें स्टैट प्रो, फिर आरसीडीसी, ईटेप, सेफ, मैनुअल, एक्सेल, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एस्टिमेशन, ये पूरी सीरीज होती है सॉफ्टवेयर की। बट इसको मैं बहुत थोड़ा सा पार्ट मानता हूँ अपने गुरुकुल का, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या सीखते हैं, मेरा क्या फोकस रहता है, आपको फूटिंग का सारा नॉलेज है क्या, कितने टाइप की फूटिंग है, कौन सी फूटिंग कहाँ पर यूज होती है, प्रैक्टिकल सोचो। उसके बाद क्योंकि आप स्ट्रक्चर इंजीनियर हो तो आपके पास सॉइल रिपोर्ट आएगी, क्या आपको सॉइल रिपोर्ट पढ़ना आता है क्या, ठीक है, हमारा फोकस वहां होता है, ठीक है। आपको जी IS 456 इतना बड़ा है पूरा नहीं पढ़ पाओगे, तो IS 456 में क्या हमें आना चाहिए एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर, वो पढ़ो, वो हमारा फोकस है, ठीक है। तो अपनी पूरी ट्रेनिंग जो चाहे बीम की हो चाहे स्ट्रक्चर की हो, उस ट्रेनिंग में मैं कभी भी सॉफ्टवेयर को श्रेय नहीं देता हूँ। इवन मैं ग्रुप में बोलता हूँ, मतलब क्लास में मेरे कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर हैं, मैं बोलता हूँ कि अगर रेविट में कोई कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ दिया है पढ़ाने में, या मैं भूल गया हूँ, या फिर मुझे नहीं आता है, आप यूट्यूब पर जाके सीख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि सीखने में तो अच्छी चीज है ना, हमने कुछ नया अडॉप्ट किया, बट उसको अप्लाई कैसे करना है, जैसे मैंने बोला वैसा सीखो, ठीक है। तो अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। तुमने 10 बिल्डिंग बना दी, अब तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि बिल्डिंग सही बनाया है कि नहीं बनाया है, उसकी क्या बोलते हैं, हमने जो डक्टाइल बोला था सेकंड पार्टी ने, डक्टाइल है कि नहीं है, हमने थर्ड पार्टी चेकअप के लिए भेजना है ड्रॉइंग को, एनओसी मिलेगी उसके लिए, डायनेमिक एनालिसिस होगी, सेकंड ऑर्डर एनालिसिस। तो क्या सेकंड ऑर्डर एनालिसिस की पैरामीटर्स को, मास पार्टिसिपेंट रेशियो को मेंटेन किया है क्या स्ट्रक्चर ने, वो फोकस करो। हाँ यस ये सीखना है। वैसे लगाना भी को आता है लेकिन उस चीज का क्या वो है, लगाने में कितना मिनट मतलब लगता है, कुछ, हाँ वो उसका इंपॉर्टेंस समझना, क्यों लगाते हैं, क्या रीजन यस, है। ठीक है। तो हमारा गुरुकुल इज ऑल अबाउट दैट ओनली, कि हम लोग फोकस करते हैं कि उसको अप्लाई करो। और मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर भी सीख लो, ये सॉफ्टवेयर ये मत सीखो, ये सीखो, जस्ट गूगल पे सर्च करो बीम मॉड्यूलर जॉब, क्या क्या चाहिए, हम ट्रेनिंग में वो सारी चीजों को कवर करने का पहला फोकस करते हैं, समय मिला तो बाकी चीजें पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। और गुरुकुल अभी जैसे कि आज जो क्या बोलते हैं टेस्ट होने वाला है बच्चों का, शायद उस बैच से कोई नहीं होगा, अब तुमने पूछा था, जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ। तो देखो टेस्ट कैसे होते हैं, अभी टेस्ट में हम लोग लोगों को टेस्ट देना है, तो दिखा देता हूँ तुम लोग को, ये देखो ये टेस्ट पेपर रेडी है, क्योंकि 10 बजे से टेस्ट है, ठीक है। तो अभी मुझे बंद करना पड़ेगा इसको। अब देखो टेस्ट में आपसे कोई कंपनी क्या पूछेगी बीम से रिलेटेड, कई लोग यहाँ पर होंगे जिन्होंने बीम का इंटरव्यू दिया होगा, स्कैन टू बीम, ठीक है, जिसको पता है वो लोग कमेंट करना कि हाँ सर ये क्वेश्चंस तो पूछते हैं इंटरव्यू में। एलओडी, एईसी, व्हाट इज बीम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये रिटर्न लिख के उनको देना है, ठीक है। ये 1 घंटे का क्वेश्चन है, 3 मिनट पर क्वेश्चन मिलेंगे उनको, तो 1 घंटे में उनको ये पूरा रिप्लाई देना है। तो अब ये जब ऐसे क्वेश्चंस लिखोगे, अभी मैं क्वेश्चंस को तुम सारे क्वेश्चंस को अगर तुम लोगों ने देख लिया है, तो मैं जस्ट सर्च करके आपको दिखाता हूँ कि बीम में क्या पूछ रहे हैं लोग, ठीक है। बीम मॉड्यूलर ऐसे पढ़ो, ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि क्या बोलते हैं गुरुकुल पढ़ो, हमारा यही फोकस रहता है ऐसे पढ़ो। ये चलिए तो इलेक्ट्रिकल का है, सिविल का देखो इसमें, ठीक है। ये देखो इनका वर्ड देख रहे हैं पैरामेट्रिक, ये फैमिली की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन आंसर में ही देख लो पैरामेट्रिक जरूर होगा, ये देखो क्या लिखा है, व्हाट इज पैरामेट्रिक, यस ठीक है। मैं ऐसे पढ़ाता हूँ और ये हमारा टारगेट है, गुरुकुल इसीलिए अलग है, ठीक है। और देखो अभी और भी मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि तुम्हें मिलेंगे, ये देखो बीम एग्जीक्यूटिव प्लान लिखा हुआ है। अब देख यस अब हमारे क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज बीईपी, इसको बोलते हैं बीम एग्जीक्यूटिव प्लान, ओके ठीक है। तो हमारी ट्रेनिंग इस तरीके से होती है, इसीलिए ये ट्रेनिंग यूनिक है, ठीक है। ओके और यूनिक जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन हम पढ़ाएंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त दूसरे काम भी है, ठीक है। चलो थैंक ओके, ठीक है, तो शायद तुम्हें यू आंसर सर। मिल गया होगा। ओके जी, चलो नासिर खान, नासिर जी पूछिए। हेलो, गुड हेलो, हाँ जी नासिर बोलो। इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर, डिफरेंस बिटवीन ईटैब एंड टेक्ला एंड व्हाई यूज टेक्ला इन बीम एंड व्हाई नॉट यूज ईटैब इन बीम। अच्छा फिर एक बार फिर इसको, जब बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछे हो तो फिर से पूछ लो प्लीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईटैब एंड टेक्ला एंड अच्छा व्हाई यूज टेक्ला इन बीम एंड व्हाई नॉट यूज ईटैब
ETAP इन बीम? अच्छा, टिकला की यूज पता है क्या, पहले बताओ मुझे। नो सर। टिकला का यूज होता है, टिकला को लोग सोचते हैं ये डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। टिकला डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है, टिकला डिटेलिंग का सॉफ्टवेयर है, वो ओके, भी 3D डिटेलिंग का सॉफ्टवेयर है। टिकला किसका है? 3D थ्री डिटेलिंग। अभी तक जितना हम लोग जानते हैं, क्या पढ़े हम लोगों ने, 2D डिटेलिंग सीखा हुआ है, राइट? राइट, लेकिन 2D में स्टील स्ट्रक्चर की डिटेलिंग, आरसीसी की भी कभी कभी, स्टील की बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है? जैसे कि यस, आप एयरपोर्ट हैंगर्स बना रहे हो, ठीक? अब हैंगर्स कितने बड़े बड़े होते हैं, 60 मीटर, 70 मीटर, क्योंकि वो जहाज आनी है उसके अंदर, राइट? उनके जो जंक्शंस होते हैं इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उन्हें अगर 2D में, 2D इन द सेंस कागज पर ड्रॉ कर देना, चाहे यस, ऑटो कैड पे कर लो, कर दो, जब वहां पर इरेक्शन किया जाता है, इरेक्शन मतलब बनाया जाता है, समझ में नहीं आता कौन से कनेक्शन को कहां जोड़ू, राइट, और अगर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, कितनी बड़ी जहाज वहां के रुकने वाली, कल को अगर फेल हो गया तो यहां अभी पर छोड़ आ जाता देगा, है कॉन्सेप्ट कि भैया 3D में दिखता रहे, ठीक है? राइट, और ये कुछ ऐसे ही हो गया कि किसी ने चोरी कर लिया, तो पुलिस चौकी में गया तो उसे बताया जा रहा है कि वो काले कलर का था, वो बाल उसके ऐसे थे, व्हाइट कलर का था, इसका ऐसा, ये बॉडी स्ट्रक्चर बताने से अच्छा फोटो दिखा दिया जाए, ओके, टेक्ला ठीक है? तो 3D इज ऑल अबाउट फोटो, और दैट इज टेक्ला स्ट्रक्चर। टेक्ला स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो होता है 3D में डिटेल करता है, और ETABS जो है पूरा अलग है। ETABS स्ट्रक्चर एनालिसिस का सॉफ्टवेयर है, वहां से होने के बाद यहाँ फाइल आती है। ओके ओके क्लियर हुआ? ओके ओके सर, थैंक यू। ओके जी, चलो। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अजय सिंह कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, बिल्कुल पूछिए। और किसी का हैंड रेज करिए ना, आराम से पूछिए, आप ही लोग के लिए मैं आया हूँ, तो पूछिए, अच्छा लगता है कि आप नए नए क्वेश्चन पूछते हो। अजय सिंह, यू वांट टू से समथिंग, और यू वांट टू आस्क समथिंग? शायद नहीं, गलती से हैंड रेज हुआ है। अनुज, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ये सर मैं एक्चुअली पूछना चाह रहा था, जैसे मतलब बीआईएम में डिफरेंट फाइल्स होती हैं, मतलब जैसे मॉडलर, हाँ, तो सर ये डिटेलिंग में मतलब कौन सी प्रोफाइल होती है, मतलब BIM में कई प्रोफाइल्स होती है, डिटेलिंग में कौन सी प्रोफाइल होती है, ऐसा बोल रहे हो? जी। हाँ, देखो BIM की हायरार्की को समझो। हायरार्की कैसे होती है BIM की? सबसे पहली जो जॉब होती है वो बीम मॉड्यूलर की होती है। होती तो बीम ड्राफ्टमैन की भी है, लेकिन वो अब एक दो कंपनियों की रही, तो ये बीम मॉड्यूलर बेसिक लेवल की प्रोफाइल हो गई। अब मॉड्यूलर के दो पार्ट है, एक होता है आर्किटेक्चरल मॉड्यूलर, एक होता है स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर, ठीक है? जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर क्या यूज करता है? स्ट्रक्चर मॉड्यूलर या तो टेक्ला यूज करेगा या फिर रवि स्ट्रक्चर को यूज करेगा, ठीक है? ये दो मेन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर है जो कि कम लोग यूज करते हैं, जिसका नाम है एडवांस टी, ठीक है? और एक और सॉफ्टवेयर है मिडास, बट मिडास तो बहुत कम हुआ इस इंडस्ट्री के लिए बता रहा हूँ। मिडास यूज होता है, बट उसका और भी काम है, ठीक है? तो इस इंडस्ट्री में या तो टेक्ला होगा या रेबिट स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर की जॉब के लिए है। और अगर बात करूँ आर्किटेक्चरल मॉड्यूलर की, तो उसमें रेबिट आर्किटेक्चर होगा। रेबिट आर्किटेक्चर अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो वो लोग यूज करेंगे स्केचअप। स्केचअप यूज नहीं कर रहे हैं तो एक सॉफ्टवेयर आता है आर्चीकैड, वो यूज करेंगे। आर्चीकैड नहीं यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? माइक्रोस्टेशन यूज करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं अपने गुरुकुल में सबके बारे में बताता हूँ, ठीक है? मतलब सर कहीं से मतलब डरना जो नहीं। सिविल इंजीनियर से, मतलब सर वो आर्किटेक्ट वाली लाइन में भी जा सकते हैं, या फिर मतलब उनको सिर्फ मतलब डिटेलिंग में ही, मतलब देखो, हम लोग को ऐसा लगता है कि पहली बात तो आर्किटेक्ट लाइन अलग नहीं है, ठीक है? हम सब एईसी कंसल्टेंट है, ठीक है? एईसी कंसल्टेंट समझते हो, ठीक है? सॉरी सर, एईसी कंसल्टेंट है हम लोग। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आर्किटेक्चर भी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग ऑल इन वन सोल्यूशन होते हैं, ठीक है? तो हम बेसिक, अगर आपको ये लग रहा है कि हम लाइक सिर्फ और सिर्फ अगर 3D बना दिया तो हम आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में चले गए, नहीं चले गए भाई। हमें क्लाइंट को समझाने के लिए अगर 3D बनाना पड़ रहा है तो कोई बुराई नहीं है, इवन वो तो अच्छा है कि हमें ये पता है कि क्लाइंट को कैसे समझाना है। तो उसके लिए आप डेफिनेटली आर्किटेक्चर भी करिए, स्ट्रक्चर भी करिए, और दोनों का कॉम्बिनेशन करके करेंगे तभी आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? थैंक यू सर, ओके थैंक जी, चलो। अली, तुम कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, हैंड रेस्ट किए थे, फिर तुमने बंद कर दिया। यू। हाँ सर, पूछना तो चाह रहे थे, पर आपका बात सुन सुन के मेरा डाउट ही क्लियर हो गया, अरे बाप रे, चलो इसलिए सोचा कि अब क्या ही पूछूं। नहीं, पूछ लेना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। फिर भी रूपक कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी रूपक, बोलिए। मैं पिछले 2 साल से टेक्ला पे काम कर रहा हूँ, नोएडा में हूँ। अच्छा, कौन सी कंपनी में हो? स्ट्रक्चर ऑनलाइन में होता अच्छा, शायद मैं जानता हूँ, है, सेक्टर 62 में है। मेरे कई तो सर स्टूडेंट्स वहां पर काम ऑलरेडी करते हैं, इसलिए मैं जानता हूँ। एक ओके, बोलो। एक
सर 2 साल से काम कर रहा हूँ, तो अब तो सर अच्छा खासा नॉलेज आ गया टेक्ला के बारे में, और जो भी प्रोसेस होते हैं हमारे सॉफ्ट सिलेक्शन बाकी सब जितने भी चीजें होते हैं सर डॉक्यूमेंट सब, तो सर अब थोड़ा सा टेम्पलेट के साथ जाने का मन करता है और टेम्पलेट एडिटिंग को सीखने का मन करता है, एंड एपीआई के बारे में एपीआई भी सीखने का तो मन बहुत अच्छा, करता बहुत अच्छा। टेकला में राइट? है। हाँ जी टेक्ला में सर। बिल्कुल आप सीखिए, ठीक है, ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। देखो कैसा होता है, हर चीज का ना एक लेवल होता है, जैसे कि हम लोग का जो अभी ट्रेनिंग कराते हैं बीम का, ठीक है, कोई ये मत सोचना कि हम बीम पूरा सिखाते हैं, नहीं सिखाते, बीम बहुत बड़ा है, ठीक है। बीम के 3 पार्ट है, कौन कौन से पार्ट है, स्टार्टिंग के 5 साल तक की ट्रेनिंग की, जो मतलब 5 साल तक आपको बीम में लगता है, वो लगता है बीम मॉडलिंग, जिसमें आप एलओडी स्कैन टू बीम जो एपीआई वगैरह बोल रहे हैं, एपीआई ये सब कुछ इसी में आता है 5 साल में। इसके बाद होता है बीम का दूसरा चरण, जिसको बोलते हैं बीम स्ट्रेटजी, वो पूरा एक अलग ही है, ठीक है, जो कि 5 साल से 10 साल के एक्सपीरियंस के लोग यूज करते हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं, एक और इंडस्ट्री है इसके अंदर जिसका नाम है बीम इम्प्लीमेंटेशंस, वो पूरा एक अलग इंडस्ट्री है। तो देखो कैसे है कि टेक्ला में, जिस तुमने बोला टेक्ला के पहले क्या था, टेक्ला में 4 प्रोफाइल होती है, अगर तुमको पता है तुम जॉब कर रहे हो तो। एक तो होता है टेक्ला में आपका टेक्ला मॉड्यूलर है ना, एक होता है आपका टेक्ला डिटेलर है ना, एक होता है आपका टेक्ला एडिटर, ठीक है, एक होता है आपका टेक्ला चेकर, राइट। तो अब ये समझना पड़ेगा, अब देखो कैसे होता है, कल मुझसे कोई डिस्कस करा था, पता नहीं वो इसमें बैच में है कि नहीं, तो वो टेक्ला कहीं सीख रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि हमें टेक्ला में इन 4 चीजों को सीखना चाहिए, 10 अलग अलग चीजें सीखना बहुत कुछ है, जैसे एक ऑटो कैट में बहुत कुछ है, बट हमारे काम की चीज हमें आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये 4 प्रोफाइल्स हैं, तो आप डेफिनेटली इसके बाद जो एडवांस मॉडलिंग है उसमें आपका एपीआई डेवलपमेंट आता है, आप एपीआई डेवलपमेंट सीख लीजिए, ठीक है, डिफरेंट टेम्पलेट बनाना है तो वो सीख लीजिए। बट वो कैसे हो गया, वो 3 ईयर के ऊपर के एक्सपीरियंस की जरूरत है, बेसिक आपका होने वाला है 3 ईयर, तो आप सीखिए, ठीक है। करने को हम भी गुरुकुल में ऐड कर दें, फिर सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा 4 महीने में, ठीक है, इसलिए हमारे गुरुकुल में नहीं है। टेम्पलेट एडिटिंग का कोर्स कहाँ से सीखे सर? है आप नहीं क्या, कुछ मतलब है नहीं क्या, मतलब यूट्यूब वगैरह पे है नहीं क्या, मतलब मुझे नहीं पता है। है बट वो उतना ऑथेंटिक नहीं है, मतलब ओके पर्टिकुलरली जो मेरे को डॉट्स वगैरह होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। हाँ ठीक है। क्या होता है ना कि इस पे इसका एक वो है, कल तुम मेरे टीम में से कोई है तो एक बार नंबर मुझे प्लीज, मेरा नंबर है टाइप कर दो, तो मेरे से एक बार तुम बात कर लेना, हम तुमको बताएंगे कि उसका राइट सोर्स क्या है, क्योंकि राइट सोर्स शायद नहीं अवेलेबल होगा, मुझे नहीं पता है, मैं देखा नहीं हूँ, टू बी फ्रैंक सच बता रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे नहीं सर्च किया है, नहीं हम लोग टेकला खुद भी सिखाती है सर, उसमें टेकला ने अपना ऐड किया है वीडियोस वगैरह, बट अच्छा वो मतलब कुछ डॉट्स वगैरह रहते हैं तो वो क्लियर नहीं हो पाता है। ओके हो सकता और है बेशक, उसमें कैसे होता है कि डाउट के तौर पे ऐसा रहता है ना कि मैं क्यों बोलता हूँ गुरुकुल में आओ, उसका मेन रीजन यही है, आपने प्रोजेक्ट किया कहाँ गड़बड़ किया किसको पता है, बिल्कुल ठीक है, वही तो चेक करने के लिए बैठा हूँ ना। हम 1.5 घंटे को कैसे डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है जिसमें मैं पढ़ाता हूँ इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, जैसे अभी मैं बता रहा था, नेक्स्ट आधे घंटे का जो पार्ट होता है उसमें मैं चेक करता हूँ कि आपने क्या किया है, कहाँ गड़बड़ किया है, और लास्ट का आधा घंटा जो होता है मैं पूरा आपको देता हूँ आज द क्वेश्चन, क्योंकि इसी से बहुत क्लैरिटी आती है, और तुमने ओके बोला है तो फिर मैं इस पे सोचूंगा भी कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, लेकिन अभी तुरंत नहीं है प्लान, तो मैं कैसे बोल दूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा बोलना भी उसको भी, मुझे अपने कमिट को भी ध्यान देना पड़ेगा ना। दो कोर्स को सर आप अलग से भी करवा सकते हैं। हाँ इसीलिए मैंने बोला कि मैं सोचूंगा, मैंने इसीलिए बोला कॉल करो, ठीक है, मेरा कैसे रहता है कि मैं जो बोल दिया मैं उस पे कमिट रहने का पूरा प्रयास करता हूँ। मैंने अगर आपको बोला है कि आप इंटरव्यू में जाएंगे क्वेश्चन वही पूछा जाएगा जो मैं पढ़ाऊंगा, ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पर डालूंगा, आप उतने मिनट पर मुझे कभी भी स्क्रीनशॉट देना कि सर नहीं पूछा गया था, ऐसा हो ही नहीं सकता, एंड फिर ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड कवर किया जाता है कि एससी या फिर एएससी भी कवर करते हैं आप? सॉरी इंडियन कोड, हम इंडियन कोड करते हैं क्या बोलते हैं, लेकिन अभी मेरा प्लान है एक, हम लोग प्लान कर रहे हैं एक्चुअली मार्च में ऐसी चीज लाने के लिए स्टील से रिलेटेड, एक बृहद रूप से स्टील का हम लोग काम लेके आ रहे हैं, जिसमें हैंगर्स हैं और स्टेडियम्स हैं और क्या बोलते हैं, उसमें बहुत काम बाकी है अभी करने के लिए, तो मैं नहीं बोलूंगा कि मार्च में आ ही जाएगा, और उस स्टील के वेयर हाउसेज हैं, ठीक, ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर्स, मेट्रो के जो सेट्स होते हैं उनकी पूरी की पूरी डिजाइनिंग्स है, जो कि प्लानिंग से स्टार्ट होगी, स्ट्रक्चर एनालिसिस होके फिर डिटेलिंग पर खत्म होगी, तो पूरी सीरीज, जैसे अपने गुरुकुल में बीआईएम का पूरा सीरीज है, ऐसा ही एक सीरीज जो है
उसका नाम यही रखाया गया है कि पीवी गुरुकुल, तो उसका पूरा सोल्यूशन होगा, जैसे बीआईएम का पूरा सोल्यूशन ये अपना 4 महीना है, ये फिक्स है, वैसे उसका भी सोल्यूशन निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और लेकिन यह है कि डेट अभी अलाउंस नहीं है, जैसे कि स्ट्रक्चर का है 5 जनवरी 5 मार्च से स्टार्ट है, इसका आज से स्टार्ट है, जुड़े रहो, अगर हुआ तो जल्दी करेंगे, कमिट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिलाल पूछना चाह रहे हैं। बिलाल हमारे बहुत ही ओल्ड स्टूडेंट है, जब गुरुकुल नहीं स्टार्ट हुआ था तब से हमारे स्टूडेंट है। हाँ जी बिलाल बोलिए। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? गुड, बढ़िया जी बढ़िया। जी, सर एक्चुअल में मेरा क्वेश्चन नहीं है आज, अगर आप मुझे मतलब परमिशन दें तो एक कुछ ही सजेस्ट करना अरे चाहूंगा। बिल्कुल 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 एक्चुअल में सर ये है कि जैसे कई सारे यूट्यूबर्स है ना, तो वो लोग आजकल मतलब स्टूडेंट्स अप्रिसिएशन के लिए ना, स्टूडेंट्स की जो जैसे कुछ ड्राइंग्स बनाते हैं, 3D व्यूज हैं, स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर हैं, तो उसे पोस्ट करते हैं यूट्यूब पे, मतलब एज अ पिक उसको पोस्ट करते हैं, फोटोज लगाते हैं उसकी कि ये हमारे स्टूडेंट ने बनाया है या इन्होंने बनाया है। तो अरे वाह, अगर ऐसा यूट्यूब पे अगर अपने चैनल पे स्टार्ट हो जाए सर तो कैसा रहेगा? अरे वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं सच बताऊं तो तुम तो जानते हो मेरा जो जीवन शैली है, उसमें जी रात में 6 बजे से 12 बजे तक मेरा क्लास में चला जाता है, और सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक क्लास में चला जाता है, मतलब 8 घंटे मेरा प्रॉपर क्लास में सीटिंग होती है इसी चेयर पे। अब जी मेरे जी पास बिल्कुल जो उसके बाद समय बचता है, उस समय में कोई ना कोई किसी का प्रोजेक्ट आया हुआ रहता है, ठीक है, किसी न किसी को कुछ न कुछ पूछना रहता है, मेरा समय इसमें जा रहा है। बट थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सजेशन दिया, और बिलाल तुम देखोगे मैं ये इसी वीक से करूंगा, ठीक है, मतलब घर से आने के बाद, मैं अभी घर पे जा रहा हूँ 10 दिन के लिए छुट्टी पे, तो घर से आने के बाद मैं जरूर करूंगा। अगर मैं नहीं किया तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे जरूर एक बार पिन करना, ठीक है, वैसे मैं जी करूंगा, सर ठीक है। कैसे होता है कि ना, जैसे कि अगर मैं पीछे मैंने किसी को हायर किया था इसके रिगार्डिंग, अकेले नहीं हो पाता है, पहुंच ही नहीं पाते वहां तक, ठीक है, जी सर इच्छा तो बहुत रहती है, इच्छा तो ऐसा होता है कि हम डेली एक ऐसा Q&A सेशन करें कि जो भी लोगों को आना हो आ जाए, बट इतना लिमिटेड समय होता है जीवन में कि ये सिर्फ और सिर्फ ख्वाब में रह जाता है, हकीकत में बदलने संभव, पर तुम्हारा वाला बड़ा सर, आसान है। ये चीज ना मेरे माइंड में थी नहीं, बट ये ना अच्छा कि एकदम से नोटिफिकेशन आया, मैंने 15 मिनट लेट ज्वाइन करा इस वेबिनार को, अच्छा मेरे पास बस आपके मतलब वेबिनार का नोटिफिकेशन ही आ जाना काफी है, मैं फौरन ज्वाइन कर लेता हूँ, भले ही मैं कुछ भी कर रहा हूँ साइड में रख देता हूँ। हाँ। नहीं अभी इसका वेबिनार का तो मुझे नहीं पता है कि क्विक कैसे पता चल जाए, इसका मेरे को नहीं पता प्लेटफॉर्म। नहीं सर, नहीं, सर मैं ही कह रहा हूँ, मतलब वेबिनार का नोटिफिकेशन ना मैंने नाइट लेट खोला, व्हाट्सएप लेट खोला, अच्छा मैंने 8:45 पे खोला, मैंने फौरन ज्वाइन कर लिया यार, तो अगर टेक्स्ट देखते हुए। मैसेज के माध्यम से किया जाए तो शायद टेक्स्ट मैसेज ज्यादा लोग देखते होंगे, ऐसा है क्या? मुझे नहीं लगता। नहीं, सर वो उसका नहीं बोल रहा, वो तो अच्छा है, अच्छा बट बस ये चीज मेरे माइंड में एकदम हाँ, से थैंक यू इमीडिएट सो है मच। कि मैं मतलब सबको सुन रहा था, क्वेश्चन सुन रहा था सबके, तो मेरे माइंड में आया कि सर से बोलता हूँ ऐसा कुछ, हाँ, इससे लोगों को अप्रिसिएशन बहुत मिलता है सर, अरे वाह, मैं पक्का करूंगा बिलाल, और वैसे भी मुझे आप इतने बहुत, अच्छे सिखाते हैं सर, तो लोग बनाते भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। हाँ बहुत अच्छा बनाते हैं, बट मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को मैं तो क्या ही बोलूँ, मैं कर नहीं पाता हूँ, ठीक है, क्या नहीं कर पाता हूँ कि जो अभी रात को 12 बजे मैं क्या बोलते डिनर करने वाला हूँ, और सुबह 7 बजे क्लास है, ठीक है, तो हमारा जी पूरा टाइम उसी में चला जाता है, प्लस उसके बाद पता नहीं को ऐसा लगता है कि आप मेरे ऊपर विश्वास करते हो, आप इन द सेंस बच्चों की बात कर रहा हूँ, कि मेरे ऊपर विश्वास करते हो, जी तो मुझे लगता है कि उनकी हर एक डाउट सॉल्व करना हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो दिन में बहुत ज्यादा घंटा इसमें भी चला जाता है, किसी का इंस्टॉल नहीं हो रहा है, किसी का जाता सॉफ्टवेयर है सर, हैंग कर जाता रहा है। है, ठीक है, और अगर मैं उनकी मदद नहीं कर रहा हूँ, वो किस उम्मीद से मेरे पास आए हैं, तो मेरे लिए उनका सर बड़ा आपने बोझ होता है। सिखाया है तो हम लोग मतलब कितने लोगों का इंस्टॉल करवाते हैं सर, ऑटो हाँ कैड ये सब कुछ बहुत सारे लोगों को करवा देते हैं, बट मैं सर सबको एडिटिंग का यही, क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत भी मुझे आता होता ना तो मैं आपकी हाँ पूरी हेल्प करता, बट ये कि एडिटिंग नहीं आती नहीं सर। नहीं नहीं मैं ना अभी लोगों को क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे से सॉफ्टवेयर मत इंस्टॉल कराओ, मैं सिखा रहा हूँ, सीख लो, कल को जी तुम्हारा सिस्टम फॉर्मेट हुआ मुझे कहाँ खोजोगे, ठीक है, तो सर मैं लोग हाँ मतलब वीडियो देखते तक नहीं है, गेट इनटू पीसी की देखते हाँ नहीं, कहते हैं बस करवा दो। करवा दो, ये ना उसकी गलती नहीं है एक्चुअली, गलती अभी वही में पढ़ रहा था, पढ़ कह रहा था, सुन रहा था एक क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, वो बोल रहे थे कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो क्विक रिजल्ट चाहिए उसको, हम रुक बिल्कुल नहीं सर पा रहे हैं चीजों को लेके, और मैं ये सोच रहा था कि अगर हम रुक नहीं पा रहे हैं उसमें, केवल 1 मिनट से 1.5 मिनट अटेंशन स्पैन रह गया है, ये लोग तो बहुत, आप लोग बहुत अच्छे हो कि आप इतना देर तक रुक पाए, और अगर ऐसे होगा तो हम किताब तो पढ़ेंगे ही नहीं, बिल्कुल सर ठीक, और जब किताब नहीं पढ़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे,
बहुत गंदा होने वाला है हमारे साथ। मैं तो पढ़ के मेरे दिमाग में चल रहा था, पहले क्या होता था कि पहले जैसे कि हम लोग का एक टीसी का रूल है कि तुमने खुद पढ़ा हुआ है, 8 से 10 मिनट तक हम लोग पढ़ाते हैं, उसके बाद 1-2 मिनट का ऐसा कुछ जोक हो जाता है या कुछ ऐसा कि थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, फिर आगे चले। जी सर, क्यों? क्योंकि अभी तक का जो एवरेज अटेंशन स्पेन था लोगों का 8 से 10 मिनट था, तब वो बढ़िया था वो। अब हर 1 मिनट में चुटकुला कहाँ से आएगा, चुटकुला ही पढ़ते रह जाएंगे तो पढ़ेंगे कब? ठीक है, सर वो बहुत रील गंदा का टाइम आ सिस्टम है, गया ना। रील का टाइम आ गया। इसीलिए मैं आज मैंने क्लास को एंट्री करते तुम लेट आए, मैंने पहले बोला गुरुकुल अपने जगह छोड़ दो, ठीक है, सीखना अपने जगह छोड़ दो, बस एक काम कर दो, रील देखना बंद कर दो, मेरा भी मत देखो, मैं तो मुझे नहीं चाहिए रील। यही प्रिंसिपल मैंने अपने घर में अप्लाई किया हुआ है आपकी तरह ही। बहुत बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत जी, अच्छा ठीक है किया सर, आप तुमने, उसको काफी करिएगा क्लासिक। सर। और ओके, अगर जी जी और कोई थैंक यू सर। सजेशन है किसी का तो प्लीज दोगे, बहुत थैंक यू सो मच। कैसे होता है कि आप लोग, मुझे पता है बिलाल मुझे बहुत दिल से मानते हैं, ठीक है, इसलिए ये मेरे बेहतर के लिए मैं इनको बोलूंगा, तो खुद भी मेरे लिए रेडी होकर करेंगे, ये भी मुझे पता है। बट क्या बोलते हैं, अगर और भी किसी कुछ बोलना है तो प्लीज बोलिए, और नहीं बोलना है तो भी कोई बात नहीं, आप ग्रुप में ज्वाइन ही है, और अगर सीखना है तो आके आ जाइए। बस सीखने की पूरी गारंटी मेरी है कि आपको मैं एक्सपर्ट बना के छोड़ूंगा, बस आप एक कोशिश करिएगा कि आप लगे रहिएगा, भागिएगा मत। ज्यादातर तो लोग क्या हो जाता है, छोड़ के निकल जाते हैं, उससे हो नहीं पाता है। ठीक है, हाँ जी नितिन बोलो। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्या हुआ, सर बोलो बोलो। एक पहले तो एक क्वेश्चन था। हाँ सर, तो क्वेश्चन ये था जो प्रोजेक्ट मैनेजर, बिम प्रोजेक्ट मैनेजर है हाँ ना, और जो साइट से बनते हैं अपना है ना प्रोजेक्ट मैनेजर, हाँ तो उन दोनों में सर ग्रोथ किस में ज्यादा है, मतलब किसकी सैलरी ज्यादा है ठीक है, मिनिमम एक्सपीरियंस पे? यस सर। दो मिनिमम एक्सपीरियंस पे ना। देखो ये कैसे होता है कि पहले तो हमको ये, मैं क्लास में तुमको ऐसे बता चुका हूँ ये चीज कि हम लोग का जो सैलरी स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, अब देखो तुमको खुद पता है कि एक ऑटोकैड के जॉब पर क्या बोलते हैं, जो सैलरी तुमको मिल रहा है वो यस सैलरी सर, शायद 1% लोगों को मिलता होगा, क्योंकि ऑटोकैड शायद। पर एक एवरेज सैलरी क्या है, आठ यस सर, हजार 10 हजार से स्टार्ट होता है, 20 से 22 हजार पे खत्म हो जाता है, और यस तुम्हारा सर। सैलरी लगभग उससे डबल है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये मैं जस्ट एग्जाम्पल ये है कि जो कंपनी का टर्नओवर होता है उसके बेस पर डिसाइड होती है सैलरी। ठीक है, यस सर। मैं एक कंपनी में काम करता था, उसके सामने एक कंपनी थी किंडर जॉय, मेरी सैलरी उसमें 25 हजार थी, और क्या बोलते हैं किंडर जॉय कंपनी में एक ऑफिस बॉय था, तो मेरी आदत होती, मैं सबसे मस्ती करता तो उससे भी ऐसी बातें होती करने लगा, तो हमारा जब क्या बोलते लंच होता था ना, वो साथ में सब लोग मिलके खा लेते थे बाहर, तो मैं उससे पूछा भाई तेरी सैलरी क्या है, मुझे लगा ऑफिस बॉय है बहुत होगा, 10-12 हजार रुपये होगा, तो जनरली मैं क्या करता, मैं ही बिल पे करने की कोशिश करता जिसके ऊपर बर्डन ना जाए, ठीक है, एक ह्यूमन नेचर होता है। बट उससे जब मैंने पूछा तो उसकी सैलरी जो थी वो 25 24 हजार थी, और मेरी सैलरी उस समय पर 25 हजार थी। अब कंपेयर करो कि मेरी सैलरी 25 हजार, उसकी सैलरी 24 हजार, मैंने 4 साल करेक्ट। डिग्री किए हुए हैं प्लस जॉब किया हुआ, तब मैं 25 पे था उस समय पे। लेकिन किंडर जॉय आपको पता ही होगा, शायद पता ही होगा, छोटे बच्चों हाँ को चॉकलेट बनाते हैं, सर, ठीक है, हाँ जर्मनी की कंपनी है, उनका नेटवर्थ इतना ज्यादा है कि उनके ऑफिस बॉय की सैलरी 24 हजार है। ठीक है, तो इस पे डिसाइड नहीं कर सकते कि कंस्ट्रक्शन मैनेजर कौन सी कंपनी का। 3 तरीके के होते हैं, एक होती है स्मॉल स्केल कंपनी, ठीक है, और एक होती है मिड लेवल कंपनी, और एक होती है एमएनसी। तो अगर आप इन तीनों को अगर डिवाइड करोगे तो देखो कैसे होता है कि अगर आप हायर एमएनसी में हो, ठीक है, और एमएनसी में भी जिसका नेटवर्थ अच्छा है, बिलियन तक में जो जा रहा है, तो बेशक आपकी जो सैलरी होगी एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे, और खास तौर से बीम मैनेजर के तौर पे, वो 30 से 35 लाख रुपए मिनिमम होगी। ठीक है, ये मैं एमएनसी की बात कर रहा हूँ, अब ये ओके मत बोलो कि सर वो मेरे पड़ोस वाली कंपनी में 8 लाख लेते ओके हैं, बिल्कुल 8 लाख मिलेगी। मिड लेवल कंपनी में दस यस लाख से 20 लाख के बीच में आपको मिल सर। जाएगा, और छोटी कंपनी में यही सेम काम करने के लिए आपको हार्डली 8 से 10 लाख रुपए मिलेंगे, सेम काम। ठीक है, तो ओके इट्स ऑल डिपेंड ऑन द कंपनीज नेटवर्थ। ठीक है, कभी नहीं यस सुना होगा सर, ना कि रिलायंस का एम्प्लॉय को 8 हजार सैलरी मिल रही है, कभी नहीं बराबर सुना। सर। ठीक है, उनको इतना मिलता है कि रिलायंस का स्टेटस भी मेंटेन रहे, और वो जो खुद काम कर रहे हैं वो फोकस करके काम करें, और जो अच्छी कंपनियां होती है वो क्या ध्यान देती हैं, आप अगर परेशान हो अपने घरेलू जीवन में तो आप कंपनी में आके अच्छा प्रोडक्टिविटी वाला काम नहीं कर पाओगे। करेक्ट ठीक है, सर, तो देखो गूगल में से यस जो बड़ी कंपनियां वो क्या करती है, हर जगह खाना, हर तरह की फैसिलिटीज, क्यों? क्योंकि अच्छी चीजें, अच्छा दिमाग पता है किसके पास होता है,
जो खुश रहता है, करेक्ट है सर, ठीक है? आप किसी दुख में डूबे हो उस समय कोई आइडिया आएगा? कभी नहीं आएगा। लगे पहले पेट भरो यार, ठीक है, फिर आइडिया बाद में आएगा। सर ये तो ये जीवन का सच होता है, जो अच्छी कंपनियां होती है इस चीज को बहुत अच्छे समझती हैं कि अगर हम अपने घरेलू चीजों में, कि शादी में जाना है क्या पहन के जाऊं, कपड़े नहीं है, या फिर बच्चे की फीस जमा करनी है, तरह तरह की चीजें, अगर इसमें हम फंसे हैं तो हम प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हैं, और ऐसे अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉय कंपनी को ग्रोथ नहीं दे सकते, करेक्ट सर। ठीक है? एक्चुअली बोलो हाँ बोलो बोलो बोलो। सर, एक्चुअली मैं इसलिए पूछा सर, तो आज मैं बैठा था प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, बैठते हैं सब नए एम्प्लॉय, नया प्रोजेक्ट है ना सर हाँ ये अपना DRM ऑफिस पुणे का, तो नया प्रोजेक्ट है, तो सब लोग सर ऐसी बात होने लगी, तो उसको बार बार फोन आते हैं है ना मैनेजर को, वो कभी किसी की जॉब इधर लगवा रहा है उधर लगवा रहा है, मतलब वो एक ग्रुप में है किसी। सुनो, एक रिक्वेस्ट है, इसको नितिन नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करते हैं। इसमें कहते हो कि कई लोगों को नहीं पता है सिनेरियो पूरा ना, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बेटर है बुरा मत मानना, नेक्स्ट क्लास में नहीं डिस्कस नहीं करते सर, हैं। जैसे कि अगर तुम्हारा सिनेरियो सबको नहीं पता ना, यस सर। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है किसी दिमाग में, और सर तो इस दूसरी बात मैं बोलो ये बोलना चाह रहा था सर, आपको थैंक यू बोलना चाह रहा था सर कि चलो हाँ आपसे जुड़ा हूँ ना सर, और हमेशा चाहता हूँ जुड़ा रहूँ सर, है चलेगा, ना। मैंने जॉब की मना तरफ नहीं किया था कभी। आप नहीं सर, आपके YouTube मैं सर हर जगह वीडियो हेल्प लेता सब कुछ किया, मगर जो आप हाथ पकड़ लेते हो ना, तो बस वही है सर। यस सर, ठीक चलो ठीक, मेरी चाय आ गई है, करके है, ओके 10 बजे मुझे थैंक बैच में आना है। चलो, थैंक यू थैंक यू गाइस, आप सबने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तरफ से, हमारे ग्रुप की तरफ से अगर कोई कॉल मैसेज जाता है उसको पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्स करिएगा, और अगर आप लोग जुड़ रहे हैं तो 15 कितना सॉरी 15 फरवरी को, 15 फरवरी को 8:30 पर आपसे मुलाकात होगी। ऑनेस्टी से मैं सिखाता हूँ, ऑनेस्टी से आप सीखने के लिए रेडी रहिए, पूरी गारंटी है, जो पूछेंगे मैं बताऊंगा, बस आप ऑनेस्टी से आ जाइए, इतना आपका करना है। हाँ जी बिलाल बोलो। नहीं नहीं सर, बस गुड ओके नाइट सर। ओके जी, गुड नाइट, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।